अरे चिकवे मिले थे। अच्छा क्या बोल रहे थे? पा कुछ नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे। बढ़िया है, 5 साल से तो घर में बैठे हैं। चलो कुछ तो कर लेंगे। अरे इनके ही मजे लाइफ में। अरे काहे के मजे, ये तो बस घर से दूर रहने के बहाने हैं। इनसे पढ़ाई तो होती नहीं है। अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे और माँ बाप को बोलेंगे हम जा रहे बाहर, पढ़ाई करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जाके पियेंगे शराब। देखो वो शर्मा जी का लड़का पता है, हाँ। अच्छा खासा सीख लिया, अभी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, अच्छा और हफ्ते में या फिर महीने में एक बार वर्ल्ड टूर पे जाता है। कैसे? आईटीआई करी थी। ओ हाँ 10वीं में फेल हुए, फिर आईटीआई करी, और उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए ट्रैवलर लगे। तो देखो अभी अच्छा खासा कमा भी लेते हैं, और हफ्ते में एक बार उनका वर्ल्ड टूर भी हो जाता है। वैसे डिफिकल्ट है इंजीनियरिंग। हाँ मैं तो कहता हूँ आईटीआई ही कर लो, अच्छा खासा 2 साल में मिल जाता होगा जॉब, और उसके बाद तो क्या गवर्नमेंट जॉब है तो कमाई भी अच्छी होगी, कर लेना चाहिए। ये कैंडी भाई बोल रहे थे कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ डिफिकल्ट होता है थोड़ा। अब मैंने सुना है कैंडी भाई भी 2 बार फेल हुए हैं। अरे दो बार कहा, फिर पीएचडी किए ड्रॉप में उन्होंने। अरे फिर बाप, कैसे जॉब मिलेगी इनको? हाँ अरे जॉब तो मुझे लगता है मिलती नहीं इंजीनियर्स को अभी। इंजीनियर्स को तो जॉब मिलती नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ आईटीआई कर लो, काम सेट हो जाएगा। कितनी भी अच्छी जॉब भी लग जाए, ऑफिस कितना भी बढ़िया हो, इनको तो काम करना है एमएस ऑफिस में ही। वो तो है ही, एमएस ऑफिस में ही काम करना। और पता है ये चिकू भाई हमको जब मिले थे तो कहे थे कि हम अब्रॉड जाने वाले, काम के लिए पासपोर्ट बना लिया इन्होंने, देखो और अभी हर जगह बस एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट लेके जाते। बोलो फिर अभी हमने बनाए थे तो हम तो अब्रॉड जाके आए, 3 महीने हम बांग्लादेश रह के आए, बढ़िया किए वहाँ पे। हम भी गए थे अब्रॉड, पासपोर्ट बनाया तो यूज में आना चाहिए। और वैसे नेपाल में अब्रॉड में गिना जाता है। कितने हम दिन रहे थे आप नेपाल में? मैं तो 4 रात 5 दिन। अच्छा फिर, फिर लेकिन इंजीनियरिंग से मुझे तो नहीं लगता इनको जॉब मिलेगी। अरे कहाँ मिलेगी जॉब इनको? आपको लगता है कंपनी इम्पोर्टेंस देगी कुछ? कंपनी का इम्पोर्टेंस देने वाली है इन्हें? ये 5 बार जो फेल होते हैं ना, इनको इम्पोर्टेंस मिलता ही नहीं है। हमें तो लगता है कि उनका ना अलग ही कोई ऑफिस होगा, जो बंदे तुम लोग 5 साल फेल हुए हो, आपका अलग से ऑफिस, आप 2 साल से हो, आपका अलग से आपका अलग ऑफिस। से ऑफिस। चिकू भाई को देखे हो आप कभी? ऐसे 4 सिगरेट पकड़ के एक साथ पीते हैं, देखो ऐसे धुआं ओह निकालते हैं, ऐसे गोल 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 नो, छल्ले निकालते हैं छल्ले निकाल लेते हैं। बोलो, और ये टैलेंट सब बाहर रह के आता है। बाहर रह के आता है सब। ये इंजीनियर्स जो भी होते हैं ना, सब जाते घर से बाहर तो यही सीखने के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग तो नहीं सीखते, यही सीखते हैं। संगत का प्रभाव है सब। वो कबीर सिंह को देखे आप? कबीर सिंह का भी वो वही पिक्चर हुआ। में का हाँ सेम, वो लड़की छोड़ के गई, नशेड़ी बन गया। इंजीनियर्स को तो लड़की नहीं मिलती, और ये ऊपर से मैकेनिक कर रहे हैं, मैकेनिक वालों को तो लड़की नहीं मिलती। नसीब ही नहीं होती देखने। हाँ वैसे हमारे मौसी का लड़का पता है, वो नितेश, कैसे? वो पागल हो गया। वो मैकेनिकल कर रहा था, अच्छा और जैसे वहाँ से वापस आया तो जो चीज़ दिखे वो खोलने लगा। कभी फ्रिज खोलता है, कभी टीवी खोलता है, कभी रेडियो खोलता है, यहाँ तक अंकल जी का चश्मा भी खोल दिया। चश्मा तो कैसे खुलेगा? वो तो नहीं आता मैकेनिक में। पागल हो गया था ना, ओ पागलपन में कुछ भी कर लेता है आदमी, इंजीनियर बदनाम कर देती है इंसान को। बदनाम कर देती। मैं नेचुरल तो लाइफ, कहता हूँ आईटीआई करो, सही बनो, बड़े बनो। इंजीनियरिंग में आपको लाइफ नहीं मिलती, लड़की नहीं मिलती, क्या रहा क्या, और वही ना, नौकरी भी नहीं मिलती। नौकरी भी नहीं मिलती। 50 साल के होने तक तो तुम्हारी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, और 50 साल के बाद तुम्हें कोई लड़की नहीं देता है शादी के लिए, कैसे होगा? हेलो गाइस, दिस इज बीके ओनली फॉर यू। एंड दिस इज मयूर तिरुमले, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।